हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हो गया एकदम मज़ेदार वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं सुपरमार्केट सिमुलेटर का एक और पार्ट। आज हम करेंगे फूड लाइसेंस परचेज और उन फूड को हम सेल भी करेंगे अपनी शॉप में। अब हम करेंगे सारी चीज़ें ऑर्डर, देखते कितने अब है। टोटली हमने ऑर्डर कर दिया है और पास तक भी फ्लोर भी है हमारे पास। सीरियल मंगा लेते हैं और ब्रेड भी मंगाई लेते हैं। मटेरियल बहुत अच्छी है। अब ये सेल्फ यहाँ रखते हैं। ऐसे हटाना होगा, इधर से वहाँ रखना होगा। अब सेल्फ को उठा के थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट सेल्फ करना होगा। रख दिया। अब सारा प्रोडक्ट रखना पड़ेगा इसके ऊपर। वाटर फिल करती है, वाटर सेल्फ फिल है। ये हमने फुल कर दिया, इसका नहीं है और मंगाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा सीरियल रखना पड़ेगा। सीरियल फुल है मेरे साथ, इतना तो है हमारे पास सीरियल। ये नया प्रोडक्ट, फ्लोर के जैसे ही है कुछ। पीनट बटर है। बासमती राइस, बासमती राइस और देखते हैं। बासमती चले जाते, चलो पास्ता करते हैं। पहले तो रस्ते मारे से हटाते हैं, एक बार रस्ते में अटक रहा है बार बार प्लेयर। फ्लोर ये तो मेरे पास रहता है। तो ये हो रहा है साल्ट ऑयल। ये सब करते बो रखा ऑयल का भी, ऑयल का फिल करते हैं। सब बारी रखते थे टाइम के लिए। न्यू बॉक्स सेल्फ मंगाना पड़ेगा।
मतलब वही सेल्फ मंगाना पड़ेगा, सेल्फ मंगा है कुछ मैं पहले से सेट कर लेता हूँ फिर सेल्फ मंगाता हूँ। मिल्क का बॉक्स है नहीं है, 12 मतलब किस आया उसमें इसे नीचे रखता हूँ। पीनट बटर का आया स्पेस फिर पीनट बटर दे कॉफी कॉफी और मंगानी पड़ेगी सब तो ना चेक बॉक्स पर है। किसी है मतलब क्यों सकता नहीं है मेरे ज़्यादा हाँ मतलब फुल हो गया किसी का बॉक्स भी फुल ओके चीज चीज खत्म हो गया अब साइड रख देते हैं शोरूम और सेल्फ मंगाते हैं सेल्फ फर्स्ट सेल्फ ऑर्डर करते हैं फर्नीचर में जाके सेल्फ ऑर्डर $1,000 का सामान आ चुका है लाइसेंस लेके फूड लाइसेंस लेकर हमारा टारगेट रहेगा एक और लाइसेंस लेना हाँ जी नहीं है इस साइड नहीं पकड़ जाएगा मतलब हटाना पड़ेगा एक बार से यहाँ से मैं रोटी टेस्ट ऐसे करके लगा देते हैं कोई ना ये सही है ये सामने हो कोई दिक्कत वैसे दिख ये रखता हूँ पहले इसको इसे बार टाइप कर तो फिर ऑन ओपन करेगा स्टोर को इसे रखते ओपन कर लिया आज हमारे गए और लाइसेंस खरीदना उसके साथ हम सेट करना सेल्फ में सामान का फूल हो गया अब वो देखते कम क्या कॉफी फूल है शीशी फूल है फ्लोर फूल है सारा फूल है अभी सेट देख लेते चीज़ भी फूल हुआ फूल है चीज़ भी
एग एग ऑर्डर कर लेता हूँ। और क्या करना है, कोक कर लेना है क्या, ऑर्डर और कुछ नहीं करना है। ओपन कर देता हूँ स्टोर कस्टमर प्रोडक्ट हो जाके स्टोर पकड़ना एक तो एग और एक कॉफी टी मतलब टी कॉफी टी और जो प्रोडक्ट बच गया से बाहर फेंक रख देता हूँ। और इसमें दिक्कत नहीं है, पीनट गया सबसे जल्दी स्पेक्टी भी ऐसे ही रखी है। फ्लोर फ्लोर भी ऐसे रखा हुआ है। कस्टमर नहीं आ रहे अब तक, कस्टमर आने चाहिए अब वैसा बड़ा कस्टमर। जगना मैं लेता हूँ लाइसेंस, चीज चीज का लाइसेंस मैनेजमेंट में। ऑरेंज सोडा 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 ट्रको सोडा जूस सोडा कोको कोला सोडा लेमन मिल्क मतलब सारा इसका जो वो है उसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा। फिर फ्रीज़र, और फ्रीज़र कितने का है, टू ये 375 का खरीदेंगे मतलब प्रोडक्ट से अलावा अलावा नहीं 1500 करने हैं। डन कैन बी क्योंकि 1500 होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए तो मंगाने पड़ते हैं सारे, इसलिए जल्दी सेल हो गया। साल कितने नहीं दिख रहा, नहीं बासमती इतना दिख रहा इस पैक की कॉफी, चलो सही है ज़्यादा ही दिख रहा है। बिल्स देख लेते हैं पहले, एक पे कर देते हैं बैंक का तो कोई लोन है नहीं, बट 10,000 का 2,000 का भी लोन ले सकता हूँ। बहुत सकते मुझे डेली पे करना पड़ेगा, मैं इतना अभी तो है चीज़ें नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। प्रोडक्ट इन्होंने ले चुके हैं, एक दो साल ले रहा बस। डेली इसका वेजेस भी निकालना, डेली तो इसका वो भी निकालना है, डेली इसकी सैलरी, इसकी सैलरी आगे देख सकता हूँ, मैं इतना काम खुद भी कर सकता हूँ, बस वही फर्क है। 6 बज चुके हैं, हम जो लेट लाइट खोलेंगे लाइट ऑन करेंगे तो उससे कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसमें हमारा फ़ायदा है। हम 7 o'clock खोल लेंगे लाइट,
रेड वाला मंगाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं क्या चेक होते हैं इधर रेड वाले को फ्लोर पास्ता क्योंकि उस पार्ट से आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो कट ही कर दिया पार्ट। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आगे का सिस्टम। ये होगी हमारी शॉप ओपन, 700 का हुआ था, 500 का फिर से वो आया। पर अब क्या ध्यान से मंगाऊँ, क्योंकि बॉक्स एक एक चीज़ के बहुत सारे हो चुके हैं यहाँ। जैसे किस चीज़ का पीनट बटर का एक बॉक्स है, दो रखे हैं पैक डी, एक बॉक्स में एक रखा है, क्या सीन हो चुका। और नेम कब चेंज होगा ये देख लेंगे तब। लाइट टिक टिक करेगी, करेगी अब जब भी कुछ होएगा। दस बजे अब तक होटल एक कस्टमर का है, वो भी एक $2 का लेके कुछ है, फिर 10-12 का सामान लेके। फिर दोस्त का कोई दिक्कत नहीं, फ्लोर ज़्यादा कम जैसे ये सामने वाला तो नहीं होगा तो फ्लोर तो नहीं, अभी तो है। सुशी स्पीड कर भाई, स्पीड कर भाई, $20 का सामान इसको होगा मेरे हिसाब से $30 से ज़्यादा का, 50 का नहीं तो 30 का तो है, 45 का डॉलर का आराम से सामान है इसका, ऐसा लग रहा है $40 का आराम से सामान है। $43 हो गया, कौन सा के लिए एक्सपेंसिव है, पीनट बटर है, ये राइस बासमती यही था क्या, फ्लोर है ये भी, कौन सा की गई है एक्सपेंसिव है बता दो, जा चेकिंग करवाइए बताइए। मिल्क इज एक्सपेंसिव, मिल्क
कैसे रेट कैसे मिला भाई, इसमें क्या एक्सपेंसिव है, इतना तो मिलेगा ही, फ्री में दे दूँ, एक्सपेंसिव लग रहा है इनको, एक बॉक्स का, एक बॉक्स हुआ एंटी, अब जो सामान पहले इसमें से करेगा ये सारा फिर मंगाएगा और सामान नेक्स्ट डे का, ये बॉक्स भी एम्प्टी हो गया, एक तो मैं फ्लोर मंगाना पड़ेगा और एक रेड वाला फ्लोर मंगाना पड़ेगा, दोनों फ्लोर मंगाने पड़ेगा, दोनों सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, रेड फ्लोर ब्लू फ्लोर 400 रुपये का और रेड वाला 33 का है, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ ज़्यादा है ये दोनों देख के, तो बिल भी भरेगा जब सब कर रहे तो, इसको मंगाना था मेरा मेन टास्क, उसको मंगाना था, चलो दीदी आप लो और आ जाए हमारा काम है, आप लो हम भरेंगे से वापस दुकान में के अंदर सामानों को, यही हमारा काम है, जब सोबर खाली करोगे सोबर हम भरेंगे, रेड वाले में है क्या बात है, जो रेड वाले दिखते हो बस नहीं दिखता, एक और बॉक्स खाली हुआ ब्रेड का, मतलब ब्रेड के बॉक्स मेरे पास ज़्यादा है, अब भी देखो इसमें रखे हुए ब्रेड और तो नहीं है ना, आगे अभी भी रखे हुए इसमें फुल करते हैं और रह गया तो टेस्ट करना पड़ता, ये ख़त्म हो गया एंटी, चलो अब बॉक्स खाली करने हैं, जो साल्ट का एक पीस रखा हुआ है उसके लिए यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, पीनट बटर के भी दो बॉक्स, देखो तो $80 वैसे वेस्ट किया लाइट मंगा के, छोटी लाइट से हमारा काम चल ही रहा था, वो देखे तुम कस्टमर ऐसे आएगा ना उस तरह चले गए मेरे दुकान में बॉक्स पे, ये हमने कॉफ़ी रख दी, सुशी भी है स्टोर भी है, सीरियल भी है अभी तो बहुत, पास्ता इसमें हो गए थोड़े बहुत, मतलब 15 पास्ते सफिशिएंट, और नहीं हो गए तो कल, मतलब रेड वाला अभी भी पैक, ये सबसे ज़्यादा मेरे पास पड़ा अभी भी मंगाने का जरूरत नहीं है, अभी भी एक बॉक्स है इसको, 3 लीटर का मेरे दिया ऑयल, ऑयल को मेरा रख दिया सारा, कल भी 700 मेरे सर, बाद में वो होता है लिंक की वजह से सामान मंगा जाए, वैसे वेस्ट नहीं जा रहे वैसे देखते हम, वेस्ट नहीं है, बाद में मंगाओ कभी मंगाओ, सामान तो पड़ ही रहा है, ये भी स्लाइस का ब्रेड पूरा बॉक्स रखा हुआ है, ओपन रहता है लाइट मेरे ऊपर है, मैं सोच रहा हूँ ब्रेड मंगा लूँ क्योंकि भी है टाइम, देखिएगा कि कस्टमर आएगा नहीं, ब्रेड वाला एक कर ही लेता हूँ और कुछ तो नहीं करना ना, चल तो मैं सोच रहा हूँ माइनस चल रहा था फायदा से मंगाने का, माइनस ही चल रहा था सोचो देख लीजिए, ब्रेड मेरे पास बहुत मतलब बहुत है, देखो ब्रेड हो तो मेरे पास बहुत है, साल्ट में कल प्लेस करो पहले से देते ये सब ज़्यादा दिख रहा है, दो पीसेज में अब भी पेंड नहीं है, फ्लोर तो हमारे पास कितने तो होगा, दो फ्लोर है ना इमरजेंसी के लिए नहीं है वैसे, अगर तो अब जो सामान होगा सुबह तो उससे ही फिल करूँगा, और चीज़ तो मंगाऊँ जो सामान होगा और जैसे हो सकता होगा, अभी 5 कस्टमर है, 6-7 आने लग रहे अभी तो कस्टमर, 5-6-7 कस्टमर अभी शॉप में है,
ले लो सामान, उन लोग दे सकता है, अब हम भी ले लो। तो फिर मेरा क्या बोलता हूँ सर, तो फिर फूल हमारी फिर लगा, मेरे पास एक बॉक्स होगा बाहर, नहीं है मिल का है, फिर फिर लगा मंगा ले, कल मंगा था सुबह, पहले कस्टमर को ले लेते हैं सारा सामान। दो बच्चे ₹2000 ले चुकी थी वो, इससे लग रहा था हमारे इसमें अपग्रेड कॉस्ट है, सप्लाई कॉस्ट मतलब वही यस वर्कर्स की कटिन है, सैलरी ₹80 थी, $80 वो अब कटी है। प्राइस बासमती एग के, बासमती का एक का क्या हो रहा है, 5.5 इसका चाहिए। बासमती राइस और ऑयल 7.25। ओके अब पहले सामान से फिल करते हैं, कितना हमारा सामान पास, मेरे पास पेंडिंग है दीदी सामान, हाँ ये तो देखना है मिल्क तो से बाहर रखो, इसे बाहर रखता हूँ और ये बॉक्स इससे कर देता हूँ, कितना ये फिल हो गया। कॉफ़ी हमारी पूरी है, कॉफ़ी हमारी है और साल्ट मंगा, साल्ट हमने मंगाया था रात को, बॉक्स मंगाया था साल्ट एक, तो रात को हमें सस्ता पड़ रहा था साल्ट, उसने मंगाया था साल्ट कंप्लीट, वाटर टेस्ट पे कर लेगा। फिर मिल्क होगा पक्का, एक था बाहर रखा इसका पूरा बॉक्स, ये रहा बॉक्स इसका, ऐसे फिल हो जाएगा मिल्क भी। सात पीस ले लिया, ओके चीज़ कम है हमारे पास, कितना लगता है, ऐसे ही लगता है, स्लाइस देखते हैं, कंप्लीट हमारे पास। और नहीं इसके पीस, ये हमारे फुल है। कॉफ़ी पूरी है, टी ब्लैक पूरी है, पास्ता मंगाएंगे, ऑयल का दो बॉक्स आएंगे, ठीक है, फ्लोर आएगा, पास्ता आएगा, बासमती राइस आएगी और ऑयल भी आएगा, तो प्रोडक्ट आएगा भी बहुत ऐसे जो नहीं मंगाने में, बासमती आएगा, ऑयल आएगा, आएगा तो आएगा, पीनट भी आएगा, तो उन्होंने जो थी चीज़ लग मजा उतनी एग एक बॉक्स आएगा, चीज़ एक बॉक्स आएगा, सुशी आएगा, एक ऑयल ये आएगा, और देखते हैं पास्ता मंगा लेता हूँ एक, और एक सीरियल बस
एक प्रोडक्ट और से अब क्या सेल हुआ है मतलब एक बार सुबह फिल करने से अंतर ही नहीं रहता, बार बार फिल करनी पड़ेगी। एक बार सुबह फिल करती तो फिर यार शाम तक वही है, बस एक दो प्रोडक्ट खत्म होते हुए हमें फिल करने पड़ते हैं और हमारा कोई प्रोडक्ट फिल करना पड़ता है। पता कि क्या होता है वो मेरे कुमारी स्टोकर उसके लिए लेवल 15 चाहिए, लेवल 15 है नहीं मेरा अभी, ये फिल करता हूँ इसकी जगह यही सही थी। ये साल्ट हमारा पूरा है, बासमती राइस ये भी बिक गया है, मतलब पाँच तो बिक गया, ज़्यादा बिक गया, छः बिक गया। ये कॉफ़ी यहाँ भी रखी है, चीज़ एक सेल्फ खाली था उसको वहाँ वर्क करते थे। फिल करके ऊपर कर देते हैं, ले जाते रहेंगे कस्टमर के, और मंगा लूँगा फ्लोर को, और मंगाऊँगा हमारे पास में पास सी बिल चुके। मैं फूल हो गया भी आते रहे कस्टमर, मैं फिल कर रहा हूँ उतने में आ जाएगा कोई। ऑयल फिल हो गया, ये मुझे लगता कम है ना, एक बार फिर आएगा नहीं सफिशेंट है। हाँ एग, एग तो मेरे पास आ गई पर ऐसे कम ही नहीं है, थोड़ी कम है बस। तो मैं क्या मंगाना सबसे ज़्यादा, फ्लोर मारा सबसे जल्दी खत्म है, बस फ्लोर ये ब्लू वाला $4 कहता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और मंगाऊंगा, इसमें इंक्रीज करूँगा डिलीवरी चार्ज जब बढ़ेगा तब मैं 4 पीस मंगा रहा हूँ, तो वही पड़ता है मैं सोच, और कोई होगा तो सेवर कर लेंगे। कॉफ़ी तो रखी है बार बॉक्स का कॉफ़ी का चिकन मैं इसको लगा, मतलब थोड़ी तरह रखी है अंदर भी, ये कॉफ़ी सेली होगी पास्ता है बार उसी बार है सीधी बार है उसके यहाँ फिर मिलते हैं, क्या दिक्कत है हो गया फिर क्या दिक्कत है। वाटर के बॉक्स क्या एग कस्टमर बहुत आ रहे हैं, फिर ये बात है जितने से मैंने लाइसेंस लिया कस्टमर की कमी नहीं हो रही है। इसमें मैक्सिमम 30 से 35 डॉलर का, $26 का मानता इसको बताओ। $30 हाँ $30 का मिलेगा इसका सामान, इसके आसपास 30 से ऊपर ही पाएगा मेरे हिसाब से तो $51। हाँ क्या मंगाना, फ्लोर तो मंगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी दिखता हो कम होता, ऑयल हो सकता है, एक ऑयल मंगा लेता हूँ सस्ता पड़ता हूँ, देखता हूँ क्या पड़ रहा है। $28 कोई नहीं, $28 तो है
दो फ्लोर मंगाया है। देखो लोटर देगी लेवल 12 के हो गए, जो वो कर लेंगे। हाँ मतलब इसे करते लाइसेंस लेके नहीं फिर जमी देखते हो लाइसेंस पिल्स देखते हैं हमारे पिल इससे पे हो जाएगा ना हमारे इसके पास हमारा एक लाइसेंस है फोटो देख लाइसेंस है देखते हैं हमारे कब तक कैरी रहती है रिक्वायर्ड लेवल 12 13 वे 700 के लिए लेवल 13 चाहिए वो तो अगले में खुल जाएगा डिस्पैच वॉशर। हाँ जब हम अगला सोच रहे हैं उसके लिए डेली 2000 तो हो रही हमारी $2000 अर्निंग हमने देख लिया $2000 कम कर रहे अर्निंग क्या गया रेड वाला फ्लोर खत्म हो गया और सब है कॉफ़ी भी सफिशेंट है इतनी यही मंगाना पड़ेगा किसी के लिए साल्ट एक्सपेंसिव किसी के लिए ऐसे कुछ एक्सपेंसिव नहीं है सर इतना तो रहेगा हमें एक मंगाना रेड वाला फ्लोर 33 कर देता हूँ एक ही सफिशेंट है ये मैंने बात देखी इसके जैसे हमारा सुन ले रहा हूँ ये सोच रहे आप सफिशेंट है तो पास्ता है ना पास्ता भी बंद रखते हैं चेकआउट खुला भाई स्पीड कर कस्टमर वेट कर रहे हैं मेरे और अभी तो और कस्टमर आ रहे हैं क्या चल रहा है मेरे कस्टमर आ रहे हैं इधर कुछ खाली हो गया था मेरे अभी तो है बतेरा है कैमिल कैमिल फिर भी क्या रखूँ अभी इसमें कार्ड बॉक्स पे खाली अभी कस्टमर आ रहे हैं 2500 से ऊपर बैठेगा आज सबके लिए एक्सपेंसिव क्यों हो गया ऐसा चीज़ इतना तो होगा मैं 7 कर सकता हूँ सफिशेंट इसके लिए बस अब खरीद लो मैं 7 कर दिया उसका चीज़ का रेट ही और भी आ रहेगा कोई नहीं आ रहा ना ठीक है टोटल अभी भी है 7 कस्टमर अभी भी है इनको चेकआउट करवाना है अब जो $80 हुआ था उसका कट भी जाएगा फिर मेरे पास $2500 बच गया जाएगा वो डिपेंड करता है ना 4 कस्टमरों पे कम लग रहा मुझे कॉफ़ी ख़त्म हो गई 80 होने चाहिए और जिसका करके भी फिर मैं अपना सामान मंगा सकूँ
करो करो जल्दी करो। सबर्ट क्या कर लेगा उसे, अगले दिन ही उसका परचेस करेगा लाइसेंस। सेल्फ में रखा जाएगा यहाँ पर। सो गाइस फाइनली भी परचेस एंड लाइसेंस कर लिया हमने, परचेस और उसका प्रोडक्ट भी रख दिया है। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक।